इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जिस राजनीतिक दल और जिस परिवार और पार्टी का काम सदा से झूठ बोलना ही था, और ये परिवारवादी पार्टियां झूठ बोलकर सत्ता में आती रही। श्रीमान उमर अब्दुल्ला को मैं इतना ही कहूंगा कि सीए नागरिकता देने का कानून है, जो 2014 से पहले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उनको नागरिकता देने का कानून, नागरिकता छीनने का नहीं। झूठ बोलना बंद करें। दूसरा, भारत ने फलस्तीन को लेकर बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत कहीं पर भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत शांति के पक्ष में। भारत कहीं युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति ही चाहता है। सर, मोदी जी ने अपने उधमपुर दौरे में यह कहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेटहुड वापस मिलेगा, क्या ऐसा देखा जा सकता है? जम्मू कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कराएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड भी। अमित शाह जी ने अभी जम्मू में ये कहा कि कश्मीर में वो 30 सीटों पर इलेक्शन, जो हमारे पार्टी के नेता ने कहा उसके साथ हम सब खड़े हैं साथ में। तो क्या लगता, क्यों नहीं आप लड़ना चाहते? क्या आप अलायंस, इंडिया अलायंस से डर रहे वहां पर इलेक्शन लड़ने के? हमें किसी से कोई डर नहीं। चुनाव हम देश की 550 सीटों पे लड़ते भी नहीं, बहुत सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ते। जहां हम चुनाव जीतने की स्थिति में या बहुत अच्छा जीतते हैं लड़ते हैं, हम वहां लड़ते हैं। हमने पिछली बार 303 सीटें जीती, 72 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी देश में अगर 375 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर भी, तो आप हमारी ताकत समझ सकते हैं। 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार दो बार किसी राजनीतिक दल को मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम